कहानी लिखने वाले बड़े भाई छोटे भाई, आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्या कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी के साथ, चरवाहा विद्यालय के लोग के साथ? आपने सत्ता में आया तो उनकी अब नौकरी को ही समाप्त करने में लग गए। सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, चचा भतीजावाद के नाम पर वसूली करना चाहते हैं और बाहर के लोगों से माल कमाना चाहते हैं। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार जो शिक्षक है वो इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे में देखिए आज शिक्षकों के द्वारा चेतावनी दिया गया था महाआंदोलन का, और आज शिक्षकों के द्वारा महाआंदोलन भी किया जा रहा है। और देखिए आप शिक्षकों के समर्थन में उतर गई है बीजेपी, और जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने साफ साफ कह दिया शिक्षकों के समर्थन में कि अब शिक्षकों के लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक जाम करेंगे, संघर्ष करेंगे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार के शैक्षणिक वातावरण की बर्बादी का कहानी लिखने वाले बड़े भाई छोटे भाई, आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्या कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी के साथ, पहले तो उनको 4 साल बरगलाया, लटकाया, भटकाया, और जब ये चरवाहा विद्यालय के लोग के साथ आपने सत्ता में आया तो उनकी अब नौकरी को ही समाप्त करने में लग गए। आप नए ढंग से बहाली का नीति बनाया, वो नीति में बार बार संशोधन किया। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे पास गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का प्रतिभावान शिक्षक नहीं है। धिक्कार है बिहार को अपमानित करने का। जो बिहार देश के अंदर आईएसओ की फौज देती है, वैज्ञानिकों की टेक्निकल हैंड का फौज देता है, उस बिहार में वहाँ का शिक्षा मंत्री का ये बयान घोर निंदनीय है। और शिक्षक की बहाली में आपकी नीयत में खोट के कारण नीति असफल हो रही है, बहाली करने का नीयत नहीं है। आप सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, चचा भतीजावाद के नाम पर वसूली करना चाहते हैं और बाहर के लोगों से माल कमाना चाहते हैं। इसको लेकर के यहाँ के शिक्षक के प्रतिभा के साथ ही नहीं, यहाँ के हमारे बच्चों के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मामला को लेकर सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे, आपको बख्शेंगे नहीं। आपकी नीति गलत होगी तो उस पर भी विचार होगा। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने शिक्षकों के समर्थन में उतर गई है बीजेपी, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये नई शिक्षक नियमावली लाई गई है, बार बार उस नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। सरकार का जो नियत है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और सरकार की नियति में दोष है, इसलिए ये जो नियम है वो सफल नहीं हो रहा। वही नहीं, विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि अब शिक्षकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी संघर्ष करेगी, और बीजेपी उन लोगों के साथ सड़क पर भी उतरेगी। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।